आप और आपका पेट कितने फिट हैं, अगर आपको ये पता करना है तो उसके साथ ट्रैकिंग पर निकल जाओ। टाइसन और मैं आज महाराष्ट्र के एक खतरनाक फोर्ट पर ट्रैक करने जा रहे हैं जो कि नासिक सिटी के पास है। हाँ, आप सही समझे, हम हरिहर फोर्ट के ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे क्यूट से टाइसन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टाइसन और मैं आपके शुक्रगुजार रहेंगे। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सबके? बस अभी कल तो हमने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर लिए थे एंड फिर क्योंकि रात में ही कर लिए थे तो मुझे सुबह का टाइम ऐसा लगा कि वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड इसीलिए आज हम जा रहे हैं हरिहर फोर्ट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि हरिहर फोर्ट की जो क्लाइंबिंग है वो थोड़ी एक जगह पे बहुत स्टीप है, इसलिए थोड़ा डरी हुई हूँ कि टाइसन जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। मगर मैंने सोच रखा है कि अगर टाइसन नहीं कर पाया तो हम आ जाएंगे बीच रास्ते से वापस। मैंने ना पोहा खा लिया है क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, तो अभी वहाँ खा लिया तो दिक्कत नहीं रहेगी ट्रैकिंग करते हुए। और वैसे ही टाइसन का है, मैंने टाइसन को भी खिला दिया है। धूप तो मेरे चेहरे पे पूरी पड़ रही है तो पता लग ही रहा होगा कि हो गई है गर्मी, और उसको देख के कुत्ते भौंकने लग गए हैं। और टाइसन को कोई मतलब नहीं है। अब मुझे दिख रहा है कि रेगुलर वॉक करके ट्रैवल करके ना इस गिफ्ट का वज़न कम हो रहा है एंड वो अच्छा भी है अभी के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो उसे आगे जाके दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बॉडी का वेट संभाल नहीं पाएगा जब बूढ़ा हो जाएगा। तो रेगुलर हाइकिंग ट्रैकिंग करता रहेगा, वॉकिंग करता रहेगा लंबी लंबी, तो ठीक रहेगा उसके लिए भी। लेनी भागते हुए धीरे चल। चल लेंडी, भागे जा रहा है पर ट्रेल पे और लोग दिख गए हैं तो इशू नहीं है कोई। अभी तो खतरनाक वाला पार्ट बचा हुआ है। जब आप ट्रैकिंग करने आए हो ना एंड आपको लोग दिख रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके अलावा ये दुकान है हर जगह, तो 300-400 मीटर में अगर आपको ये दुकान नहीं दिख रही है ना नीचे की तरफ, नीचे से जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो समझ लेना आप थोड़ा गलत ट्रैक पे हो। तो वापस वहीं जाना जो पिछली दुकान थी और पूछना कि कहाँ से जाना है। ये रहा सामने हरिहर फोर्ट, चल आ जाओ। आओ वहाँ से नहीं, हाँ धीरे धीरे चल चल आ जाओ, चलो इधर से आ। कहाँ जा रहा है तू? किसने बोला था तेरे को वहाँ जाने के लिए? ऊपर चल आ, बस जा। वहाँ नहीं, आजा। ये तो पेलोल कर रहा है। आप लोग कहाँ से? यहीं से, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र।
अच्छा सेगा सेगा पहले आए हैं यहाँ पे? नहीं फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम ठीक सेगा। अच्छा ओह गॉड पांडे जी बिवेर हाँ बोल लो चलो टाइसन भाई बस कुछ करे वाले ना वहाँ तक जाने हमें ऊपर वहाँ से यहाँ तक तो आ चुके हैं अब ऊपर जाने का है भाई ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि बंदर है और इशू हो जाएगा नहीं तो बैठे हैं बंदर ऊपर अभी तो बहुत ऊपर जाना है पर पहुंच जाएंगे टचवुड धीरे धीरे चलेंगे पहुंच जाएंगे। टाइसन इसे बांध दिया है मैंने क्योंकि थोड़ा चढ़ाने में इजी रहता है क्योंकि पकड़ना ना मतलब थोड़ी दिक्कत तो है ही ऑब्वियसली बट धीरे धीरे पहुंचेंगे लोगों की हवा चलो आधा तो पार कर लिया और आप ऊपर नीचे जा रहे हो आप जा रहे हो नीचे नहीं नहीं चलते हैं रुक जा रुक जा धीरे चल ना आगे पता है कि कैसा है तो खुद अपने हिसाब से चल रहा है ए चल यहाँ से यहाँ से चलते रहे चल ऊपर ऊपर चल 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 बस रुक जा पहुंच गए हम ऊपर टाइसन ना खतरनाक है मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकती वो कर लेता है। हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट तो हम सबको ही जरूरत पड़ती है बट यार आ जा राजा पानी कोने पे नहीं जाना आओ गुड बॉय तूने तो आज बहुत अच्छा किया पर अभी नीचे जाना बचा है इधर 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 वापस आ आ जा नीचे जो ये लोग बोलते ना लैब्राडोर आलसी होते हैं पैसन हर लैब्राडोर के लिए बता रहा है कि ऐसा नहीं है आओ चलो चलते रहो खतरनाक चढ़ाई है मतलब बहुत ऊपर है ये आ जाओ चलो अब तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए अब वहाँ जाना है धीरे धीरे यहाँ मत खाओ बिचल आ जल्दी बाय मैं जा रही बाय बाय
बहुत गर्मी है भाई, गर्मी तो काफ़ी है। टाइसन फोक भाई बढ़िया लग रहा है। रुक जा, साइड में मत जा, कौन उठा के लाएगा तेरे को साले, नीचे ही चला जाएगा सीधे। ऊपर भी है पर हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं वहाँ पे, ऊपर से सिर्फ व्यू है। और पूरी बात यह है कि वहाँ ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं ऊपर की तरफ, एंड जितना वो कर चुका है टाइजन पोटेंशियल मुझे पता है वो चला जाएगा, पर ठीक है, टाइजन को हम और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि अब गर्मी सी भी लग रही है इसको, धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। ये कैरी किया है क्योंकि और तो बर्तन कैरी नहीं कर सकती थी, तो ये बंद हो जाता है, तो इसे मैंने अपने वेस्ट में पाउच जो पहना उस पर बांध दिया था। और पीपी टाइसन हो गया, पीपी बंदर है आगे। टाइसन धीरे चल, रुक जा टाइसन, इधर आ। चल 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 चल, मधुमक्खी मत खाइयो, चल टाइसन सीधे चलते रहे आगे, चल शेर नहीं। नहीं हाँ तुम चलो उतरो, दीदी इकुनु क्या ले देगा, क्या कहाँ से गए थे इसको लेके, नीचे से आ गए तो ऊपर। थोड़ा दिक्कत हुई बट कुछ करेगा, आराम से जाओगे तो नहीं करेगा, डर डर के जाओगे तो करेगा ही। बस जा वहाँ से चले जा, हाँ जा आराम से जा जा, गुड बॉय। हरिहर जाना सबके बस की बात नहीं है, लोगों के पैर कांप जाते हैं जब ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, और वापस उतरने की बात तो पूछो ही मत, जिनको वर्टिगो नहीं भी होगा उन्हें भी हो जाएगा। इतना बखान करने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि टाइसन को वहाँ ले जाते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई तो मुझसे बड़ा झूठा कौन ही होगा। मैं डरी भी, मेरे पैर भी कांपे, ऐसा भी लगा कि बीच रास्ते से वापस चली जाऊं, मगर जब तक टाइसन बिना डरे आगे बढ़ता रहा मैंने भी हार नहीं मानी। सीधी सादी ट्रैकिंग करके जब हम यहाँ पहुँचे तो न जाने कितने लोगों ने कहा कि टाइसन मेरे साथ हरियल फोर्ट नहीं चढ़ पाएगा, फिर भी पूरे रास्ते मेरे दिमाग में बस एक ही गाना बज रहा था, जय काल महाकाल विकराल शंभु, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जब ऐसी जगह पर खड़े होके आप नीचे देखते हो ना, तब दूसरों को संभालने से पहले आपको खुद संभालना पड़ता है, और मेरे साथ तो ये जनाब भी थे, मगर टाइसन बहुत समझदार है, जैसे मैंने बोला जहां मैंने बोला वो वहीं रुक गया, और एक दो जगह जहां टाइसन को डर लगा वहां वो मुझ पर भरोसा रखे और कुछ अच्छे लोगों की मदद से हरिहर ट्रैक आराम से पूरा कर पाया। आ नीचे पकड़, आ इधर से वो धीरे से आराम से,
चल चल। कौन विश्वास करेगा कि टाइसन और मैं अभी हरियर होके आ रहे हैं, एंड मेरे ना लिटरली अभी भी थोड़े पैर जो है वो कांप रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि हम जा पाएंगे। मुझे लगा था हमको बीच रास्ते से वापस जाना पड़ेगा, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग चढ़ना इतना मुश्किल नहीं था, कंपेरेटिवली उतरना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उतरते हुए आपको दिखता है नीचे कि कितना गहरा है और क्या होगा अगर आप नीचे गिरते हो। ऊपर जाते हुए आप थोड़ा एक बार को ग्रिप पकड़ लेते हो, एंड टाइसन को भी मैं पकड़ पाई थी ऊपर चढ़ते हुए। नीचे आते हुए थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती कि अपने डॉग को आप हरिहर फोर्ट के ट्रैक के ले जाओ, क्योंकि पहली बात तो आपके डॉग पे आपके कितने कमांड है वो बहुत ज़रूरी है, कि ऐसी जगहों पर अगर वो आपकी बात ना सुन पाए तो दिक्कत हो सकती है। मेरे को थोड़ा ये था कि इससे चोट वगैरह ना लगे, कोई दिक्कत ना हो जाए। मतलब मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं कि हम हरिहर होके आ गए हैं। ये है हरियर, देखो आप, ये है हरियर सामने दिख रहा है वहाँ। यहाँ से इतना आपको पता नहीं लग रहा होगा बट लिटरली बहुत ऊपर है, स्टीप स्लोप है। आप अगर थोड़ा भी आपका पैर फिसलेगा कहीं पे तो आप सीधे नीचे जाओगे, पहाड़ी से नीचे, मतलब वहाँ समझ लो नीचे आ जाओगे। अब बंदर अलग रहते हैं, इंडिविजुअली आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट आप अगर अपना डॉग ले जाने की सोचोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। एंड टाइसन फिट एंड फाइन है, उसे कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुई है। हर जगह पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जैसे सिचुएशन में खड़े हुए होते हो तो आपके लिए वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना ये हो जाता है कि आप उसके साथ, मतलब टाइसन के साथ मैं हूँ तो मैं उसके साथ नीचे आराम से उतर जाऊँ। टाइसन पहला ऐसा लैब्राडोर है जो हरियर फोर्ट गया है, ठीक है, एंड मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो अपने डॉग को हरियर फोर्ट लेके गई। डर ने मुझे डरा दिया, इतना मुश्किल है ये भी बता दिया, मगर डर के भी पीछे ना हटी मैं। लो डर को मैंने हरा दिया।